देशवासी वालों, में बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। विशेष रूप से यह खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो पिछले काफी समय से जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, आपने 100% सही सुना है। ब्रह्मांड में जिनके राशि परिवर्तन के कारण ही शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं, देश और दुनिया में अग्निकांड, आगजनी, दुर्घटना और आंधी तूफान जैसी घटनाएं घटित होती है, किंतु वह आपकी राशि कन्या राशि पर बहुत शुभता प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भाग्य और प्रचुरता का कारक गुरु ग्रह को ही माना जाता है। वैसे भी सभी ग्रहों में जिनको गुरु के नाम की उमाती प्राप्त हुई है, सौरमंडल में जिनको प्रमुख ग्रहों में से एक माना जाता है, वैसे देवताओं की गुरु स्वयं देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से बकरी होने जा रहे है। ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु ग्रह 20 जून से लेकर 14 सितंबर तक शनि ग्रह की प्रभुत्व वाली राशि कुंभ राशि में उल्टी चाल चलने वाले हैं। कन्या राशि वालों, गुरु का यह परिवर्तन इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में विदेश भाव के लोड होकर आपके यश भाव में रहने वाले है। जैसे ही गुरु ग्रह 20 जून 2021 रविवार की शाम 8:35 से मकर राशि में बकरी होगी, उसी के साथ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि गुरु ग्रह अगले 4 महीने यानी कि पूरे 120 दिन तक धन, विवाह, व्यापार, उद्यम, ज्ञान, सत्कर्म, सफलता आदि में आपको लाभ प्रदान करने वाले है। दोस्तों, जो इस चैनल से पहले से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मई महीने में उस समय भविष्यवाणी की थी जब कोरोना पीक पर था। मैंने कहा था कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होगा और यह भविष्यवाणी सच हुई है। वैसे ही गुरु के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर न्यूनतम हो जाएगा, यह दूसरी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। हालांकि अक्टूबर के बाद ग्रहों की स्थितियों के चलते तीसरी लहर की भी संभावना बनेगी। कन्या राशि वालों, ज्ञान के कारक गुरु आपके पंचम भाव में वक्री गति करेंगे। यह विद्या का भाव कहलाता है, यश का भाव कहलाता है, धर्म का भाव कहलाता है एवं बुद्धि का भाव कहलाता है, जिसके चलते ही 20 जून से ही करियर में आपको लाभ प्राप्त होने लगेंगे। विषम परिस्थितियों के भी हल निकलने लगेंगे। इसके साथ ही पिछले समय में मेहनत करते हुए भी सुफलों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो सुफल प्राप्त होने लगेंगे। विदेश यात्रा एवं शिक्षा के मामलों में जिन्हें परेशानी झेलनी पड़ी थी, अब वह परेशानियां दूर होगी। जी हाँ, अब बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यकीनन पारिवारिक जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। विशेषकर गुरु का यह वक्री परिवर्तन नौकरी पेशा व्यक्तियों को विषम स्थितियों से बाहर लाएगा। नौकरी में बदलाव की इच्छा कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगी। बड़े उद्यम में कार्य करने का अवसर मिलेगा। यदि योग्य डिग्री होने के बावजूद भी आपको किसी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही थी, तो अब नौकरी मिलेगी। लंबे समय से दिए हुए आवेदन मंजूर होने से आपको उचित जगह पर नौकरी मिलेगी और नौकरी के कारण ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी। रिश्तेदारों एवं प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, तो वही आप अपनी पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी काफी उत्साहित रहेंगे। यदि आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं या फिर कला, रंगमंच, नाटक, संगीत, सिनेमा, टेक्निकल, आयात निर्यात, टेक्सटाइल, लघु उद्योग, रियल एस्टेट, ब्रोकर, कृषि क्षेत्र, ई कॉमर्स से जुड़े हुए है, तो यकीनन आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि इस समय आपके करियर में यथोचित बदलाव होगा। कार्य के अवसर मिलेंगे। विशेषकर जो अभी प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, वह इस समय अधिकार और उपलब्धियों से भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, उचित लक्ष्य प्राप्त करने के कारण अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, तो वही आपको उच्च पद से नवाजा भी जाएगा। सैलरी में इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। 20 जून से लेकर 15 जून के बीच एक बात तो तय है कि धन की आवक लगातार चलती रहेगी। जहाँ एक ओर व्यापार में अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करने में सफल रहेंगे, संघर्ष और परिश्रम का फल मिलेगा, संबंधों के कारण आर्थिक लाभ मिलेगा, जीवन साथी के कारण प्रसन्नता मिलेगी, तो दूसरी ओर भवन, भूमि आदि में निवेश की योजना बना रहे हैं, तो वही योजना साकार होगी, संपत्ति को क्रय कर पाएंगे, स्थायी संपत्ति से जुड़े लाभ मिलेंगे, तो वही जुलाई के मध्य में धन से जुड़े मामलों में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कन्या राशि वालों, गुरु ग्रह विदेश भवन के लोड होने के कारण विदेश जाने का उचित मौका मिलेगा। शिक्षा प्राप्ति हेतु एवं धन कमाने हेतु आपको विदेश जाने का न केवल अवसर मिलेंगे, किंतु विदेश से जुड़े हुए कारोबार से लाभ मिलेगा। यदि आपका व्यापार व्यवसाय विदेश से जुड़ा हुआ है, तो यकीनन आप आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए।
तो वही जो जातक अपना खुद का बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें भी करियर में सफलता मिलेगी, नई नई योजनाएं आएंगी। व्यापार करते हैं तो निश्चित ही समय आपके लिए परिवर्तन लेकर आ रहा है, नए अनुबंध बनेंगे, संपर्क के माध्यम से लाभ मिलेगा, प्रतिस्पर्धियों को मात देने में सफल रहेंगे, चीजों का आदान प्रदान होगा, चीजों की मांग बढ़ने से निश्चित ही समय आपका व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, जिसके कारण आप कर्ज के तले दबे हुए थे तो वह कर्ज को चुका पाएंगे। कन्या राशि वालों, गुरु ग्रह न केवल सत्ता पद प्रतिष्ठा धर्म कर्म विवाह एवं परिवर्तन का कारक माना जाता है, किंतु वह नौकरी का भी कारक माना जाता है, जिसके कारण आपको इस समय में नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। राज्य सरकार केंद्र सरकार में स्थित होकर कार्य करने का मौका मिलेगा। यहाँ तक जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें गाड़ी मकान का योग बनेगा। इस वक्त इच्छित जगह पर तबादला होगा तो वही गुप्त जरिए से भी इस समय आपको धन से जुड़ा हुआ लाभ मिलेगा। जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो मुश्किल से मुश्किल कार्य सफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भाग्य को जानने के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवाए। जहां एक और कन्या राशि के जातक प्रेम जीवन को शादी के बंधन में तब्दील करने का सोच रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होगी तो दूसरी ओर जीवन साथी के बीच में चल रही तनाव की स्थिति दूर होगी। फिर से जीवन साथी के साथ खट्टे मीठे फलों को जिएंगे और उनका आनंद भी उठाएंगे। वही जो शादी करना चाहते हैं उन्हें मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस दौरान आपको विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे। फिर विदेश से ही क्यों ना हो, आपकी शादी होगी, मंगनी होगी और आप सहनाई की गूंज जरूर सुन पाएंगे, क्योंकि गुरुग्रह इस समय आपको सिंगल नहीं रहने देने वाले। जय गुरुदत्त।